Hello everyone, welcome back again in our Prelims Lockdown series. So we were looking at this current affairs class. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जरा अपनी करंट अफेयर्स की क्लास. स्टार्ट करने से पहले ये हमारी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी रीच आउट कर सकते हैं. इसके अलावा टेलीग्राम लिंक आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको नोटिफिकेशंस और मटेरियल्स वगैरह मिलते रहते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगेन ये हमारी करंट अफेयर्स की कुछ अदर कोर्सेज भी हैं, जैसे प्रीलिम्स की सीरीज हो गई या मेंस की सीरीज हो गई, जिसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. You can also subscribe us for test series and these are the available test series. Current affairs में हम लोगों ने इस current affairs को already देखा हुआ था, जहां पर हम लोगों ने पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया था, जहां पर इन्होंने कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी क्रॉप के बारे में बता रखा था, जिसमें ARI 516 ग्रेप वैरायटी के बारे में बात किया था, मिथेनोट्रोप्स के बारे में बात कर रखे थे. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, जो हमारा व्हाइट जिराफ वगैरह ये सब डिस्कस कर रखा है. यहीं पर कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आपको लिख लेना है यहीं पर, क्योंकि अगेन जो बातें हम लोग करने वाले हैं वो भी अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही खोज की है, इन्होंने ही रिसर्च की है. और ये क्या है, ये है अगेन एक न्यू वेराइटी ऑफ वीट है, दैट इज MACS 4028. तो MACS 4028 ये वीट की एक नई वेराइटी बनाई गई है जो कि अगेन जेनेटिकली मॉडिफाइड है. इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात है कि ये बायो फोर्टिफाइड है. दिस वीट वैरायटी इज बायो फोर्टिफाइड. यहां पर एक्स्ट्रा जो भी रिसोर्स चाहिए, जो भी मिनरल्स चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट कर दिया गया है. साथ में इसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है वो सारी प्रॉब्लम को यहां पर दूर कर दिया गया है. अब क्या प्रॉब्लम है ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है. You just need to look at कि MACS 4028 क्या चीज है, तो आपको बताना पड़ेगा ये एक वीट की वैरायटी है. बात करते हैं अगर बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है. कभी भी आप अब नया कुछ भी अगर पैक्ड फूड खरीदने जा रहे होंगे, वहां पर आपको इस तरीके से प्लस एफ देखने को मिल रहा होगा. इसका मतलब है कि द पैकेट विच यू हैव बॉट थ्रू दैट इज एक्चुअली बायो फोर्टिफाइड. जो भी आपने खरीदा है वो बायो फोर्टिफाइड है, यानी उसमें अलग तरीके की क्लियरिंग की गई है. जैसे इसमें चावल वगैरह में, राइस वगैरह में किया गया है. सपोज दिस इज द राइस की मान लेते हैं कि दाना है ये, तो इसके इसमें क्या है कि मान लीजिए इसकी पॉलिशिंग करने में इसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, निकल गए, उसको ऊपर से कोटिंग कर दी जाती है और इस तरीके से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट दिया जाता है, जैसे आयरन वगैरह की यहां पर कोटिंग कर दी जाती है, जिससे महिलाओं में जो एनीमिया की प्रॉब्लम है वो ना होने पाए. बात करें अगर बायो फोर्टिफिकेशन की, तो बायो फोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन क्रॉप्स थ्रू बोथ कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. क्लियर हो गया क्या चीज है. तो ये हमारी बायो फोर्टिफिकेशन है, इसको मैं यहां पर इंक्लूड इसलिए किया हूं ताकि आप भी अपने नोट्स में जो करंट अफेयर्स की प्रिपेयर किए हैं उसमें आप इसको इंक्लूड कर लीजिए. क्लियर हो गया. इसके बाद देखिए एक और है, छोटी सी न्यूज है, दैट इज रिलेटेड विद द अर्थ आवर. अर्थ आवर जो होता है ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक एनजीओ है, इसके द्वारा प्रपोज किया गया है और ये एक घंटे बिजली बंद करने से रिलेटेड रहता है. दिस इज टू जस्ट मेक यू अवेयर दैट वी आर वेरी मच कंसर्न फॉर दिस इन्वायरमेंट प्रमोशन. इन्वायरमेंट क्लीनिंग के लिए काफी ज्यादा हम लोग कंसर्न है, इसके लिए ये शो कर रहा होता है. इसके अलावा जैसे देखिए कई सारे डेज मनाए जाते हैं, वैसे ही 22 अप्रैल को हम अर्थ डे मना रहे होते हैं. जैसे नंबर ऑफ डेज होती है, जैसे आपकी बायोडाइवर्सिटी डे हो गई, वेटलैंड डे हो गई, इसी तरीके से अर्थ डे भी होती है जो 22 अप्रैल को मनाई जा रही होती है. चलिए खैर आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा कुछ इन्वायरमेंट के और भी टॉपिक्स है, जैसे एक है लिगेसी वेस्ट. अब ये लिगेसी वेस्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एक नागपुर का मॉडल था और ये नागपुर में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने ही प्रपोज किया था. पहले हम लोग बात करते हैं कि ये लिगेसी वेस्ट है क्या चीज. देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो भी दिल्ली वगैरह में लोग होंगे वो लोग देखे होंगे कि यमुना विहार, यमुना के पास जैसे ही जाते हैं, यमुना ब्रिज के पास में आपको बहुत खतरनाक बदबू आना शुरू हो जाती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है. या फिर आप कभी भी देखे होंगे जो भी सिटी का आउटर एरिया होता है वहां पर कूड़े का एक बढ़िया ढेर लगा देते हैं. इस कूड़े के ढेर को कोई पूछने नहीं वाला है. यहां पर क्या होती है, हर रोज जो भी म्युनिसिपल की व्हीकल आती है शहर के कूड़े को ले आकर के यहां पर डंप कर देती है. बट ये जो भी वेस्ट हुआ है, इस वेस्ट का कोई भी देखने नहीं वाला है, इस वेस्ट से क्या कर सकते हैं. वी आर ओनली स्टडिंग कि यहां पर इसको हम वेस्ट टू एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी किया नहीं जा रहा है. देयर इज सम डिले.
लेकिन इस पूरे सिस्टम को ही जो कूड़े का ये पहाड़ बन गया है इसको बोला जाता है लीगेसी वेस्ट। दिस इज लीगेसी वेस्ट। यहां पर हो क्या रहा है कि एनजीटी हैज डायरेक्टेड अ कमिटी टू असेस द अमाउंट ऑफ डैमेज कॉज टू द एनवायरमेंट ड्यू टू डंप साइट। तो इस तरीके की जो लीगेसी साइट्स हैं, जो भी डंपिंग साइट्स हैं, उनके कारण से एनवायरमेंट को कितना डैमेज हुआ है इसको चेक करने के लिए, अमाउंट चेक करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कौन कौन से हैं, मेंबर्स हैं सेंट्रल पोल्यूशन सीपीसीबी के मेंबर हैं, इसके अलावा नीरी के मेंबर हैं और आईआईटी दिल्ली के भी प्रोफेसर्स वगैरह रहेंगे। तो इस तरीके से कमेटी बना दी गई है जो कितने अमाउंट तक इन्वायरमेंट को ये खराब किया उसके बारे में बात करेगी। अब अगर क्वेश्चन आता है कि आखिर सीन क्या है, प्रॉब्लम क्या है इससे, इस वेस्ट से दिक्कत क्या आ रही है, तो देखिए दिक्कत आती है सबसे पहले तो ये एक वेस्ट है, वेस्ट है तो सीधी सी बात है स्मेल आएगी, गंदगी आएगी, स्मेल आएगी, गंदगी आती है। तो दूसरा एक काफी ज्यादा एक लार्ज एरिया ये कवर करके रखा हुआ है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है, दिस इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मेनी बैक्टीरियल, जो भी बैक्टीरियाज हैं पैथोजेंस हैं उनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। इसके अलावा देखिए एक और ये लीशेट जनरेशन हो जाती है। व्हाट इज द लीशेट जनरेशन, आप लोगों ने देखा होगा जब भी कूड़ा या कोई भी वेस्ट अगर सड़ना शुरू हो जाता है, जब उसकी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसमें से एक लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। दिस लिक्विड इज वेरी पॉल्यूटिंग, बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग होता है, यहां पर कई सारे बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, इस लिक्विड को ही बोला जाता है क्या, लीशे। ठीक है, तो लीशे जनरेशन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये मीथेन गैस काफी ज्यादा यहां से निकलना शुरू हो जाती है, और मीथेन गैस इज अ ग्रीन हाउस गैस, और ये काफी ज्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज करती है। इनफैक्ट रिसेंट में आप लोगों ने सुना भी होगा एक कूड़े के ढेर में आग लग गई थी। आग क्यों लग गई थी, क्योंकि ये मीथेन गैस की यहां से रिलीज होती थी और वहां पर हल्का सा भी अगर इसको आग मिल जाएगी, फायर मिल जाएगी, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लोड कर जाएगा। अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम तो देख ही लिया हम लोगों ने कि यहां पर वेस्ट की प्रॉब्लम है। नागपुर मॉडल क्या अपनाया गया था ये भी आप जान लीजिए, दिस इज अ केस स्टडी, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर किया ये गया कि नागपुर में भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी म्युनिसिपल वालों को, तो म्युनिसिपल वाले बेचारे जब भी जाते थे वहां पर स्मेल के कारण से वो बेहोशी हो जाते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले क्या किया, वेस्ट को पहले इन्होंने सेग्रीगेट किया, मतलब एक इन्होंने क्या किया, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को इन्होंने अलग अलग किया। अलग करने से पहले इन्होंने क्या किया कि ये जो कूड़े का ढेर है जो इतने एरिया में है इसको फैला करके इसकी पहले पाइलिंग कर दिया। पाइलिंग करने का मतलब अलग अलग एक तरीके से कह लीजिए कि रोज बना दिए। रो बनाने के बाद में क्या हुआ कि अब ये इसकी जो हाइट थी वो कम हो गई, अब ये सनलाइट के संपर्क में आना शुरू हो गया। सनलाइट के संपर्क में आना शुरू हुआ तो जो भी इसमें वेट आइटम था वो ड्राई होना शुरू हो गया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसमें से जो भी इसकी स्मेल आती थी वो स्मेल आनी बंद हो गई, क्योंकि स्मेल हमेशा एनएरोबिक प्रोसेस के कारण से ही हो जाती है, और अब ये एरोबिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से वेस्ट आना खत्म हो गया, और अल्टीमेटली ये जो साइट बनी थी, मतलब कि ये जो यहां पर ये रोज बनी हुई है वेस्ट की, इस वेस्ट में भी अब ड्राई हो गया, तो ड्राई का यूज अब हम लोग करना शुरू कर दिए थे, और ये वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन जो थ्योरी वाली चीज है वो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दिया था हमारे इस नागपुर म्युनिसिपल काउंसिल के लोगों ने। तो दिस वॉज बेसिकली द मॉडल कि आप एक ही जगह पर डंप मत करिए, उसको सेग्रीगेट करते रहिए, उसको अलग अलग करते रहिए और उसकी यूज करते रहिए। क्लियर हो गया। अच्छा, एक तो हो गया ये सोल्यूशन, इसके अलावा और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, देखिए इसके अलावा जो सोल्यूशन हो सकता है उसको बोला जाता है बायो माइनिंग या बायो रिमेडिएशन। ये बायो माइनिंग या बायो रिमेडिएशन क्या होती है, आप लोगों ने इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा यहां पर आपको हिंट कर देता हूं। होता क्या है, जब भी इस तरीके की चीजें होती है तो यहां से हम लोग बाहर से कुछ बैक्टीरियाज या बाहर से कुछ ऐसी टूल का यूज करते हैं जिससे कि यहां पर जो भी बैक्टीरिया मर गया है या इनएक्टिव हो गया है उसको वापस से एक्टिव कर दिया जाता है, ताकि ये एक्टिव बैक्टीरिया इस वेस्ट को कंज्यूम करते जाए और अल्टीमेटली इस वेस्ट में जो भी प्रॉब्लम है वो हटाते जाए। इसके लिए नंबर ऑफ टेक्निक्स यूज की जाती है, जैसे बायोवेंटिंग हो गई, बायोस्पराइजिंग हो गई, तो ये सब तरीके अपनाए जाते हैं। वी विल लुक इनटू दिस एनवायरमेंट सेक्शन ऑफ आवर प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि एनवायरमेंट में क्या टेक्निक है, कैसे किया जाता है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसके अलावा कई बार क्या होती है कि मेटल एक्सट्रैक्शन करने के दौरान में भी हम लोग बायो रिमेडिएशन का यूज कर रहे होते हैं, इसको भी हम लोग बोलते हैं बायो माइनिंग। क्लियर हो गई क्या चीज है। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे दूसरा करंट अफेयर्स।
इसके अलावा करंट अफेयर्स में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट एक रिपोर्ट निकाली गई है, रिपोर्ट निकालने वाली जो संस्था है वो है यूएन वाटर, इसने पब्लिश किया है लेकिन रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। यहाँ पर वाटर की क्राइसिस, वाटर के कैसे प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। तो आपको केवल याद रखना है कि क्या रिपोर्ट है, कैसे निकली, इसकी फाइंडिंग्स के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं जरा लेजर सरफेस माइक्रो टेक्सचरिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें काफी डिटेल रखी जाएगी, थोड़ी साइंस एंड टेक की टॉपिक है तो काफी डिटेल में किया भी जाएगा, एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड विद इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर भी कुछ हम लोग अपनी स्किल यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। जैसे लेजर का मतलब होता है दिस इज अ लाइट, ठीक है, लाइट हो जाती है, लेजर लाइट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सरफेस माइक्रो टेक्सचरिंग का मतलब है दिस इज सरफेस माइक्रो टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी फ्लोर होती है या टाइल्स होती हैं या फिर कई बार सनमाइका हो गई या जहां पर भी आप कोई डिजाइन देखते होंगे वो डिजाइन को बुलाता है टेक्सचरिंग, दिस इज टेक्सचरिंग, टेक्सचर हो जाती है। और माइक्रो का मतलब जब बहुत ही छोटी टेक्सचर होती है उसको हम लोग बोल देते हैं माइक्रो टेक्सचरिंग। तो यहां पर होगा क्या कि लेजर के सहारे टेक्सचरिंग की जाएगी, और इस टेक्सचरिंग में जैसे आप देख सकते हैं कि अपनी एक बोर्ड होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड होती है उसमें भी टेक्सचरिंग होती है। तो इस तरीके के टेक्सचरिंग का यूज किया जाएगा बेसिकली किसके लिए, ये किया जाएगा हमारे इंटरनल कंबस्टन इंजन के लिए। ये इंटरनल कंबस्टन इंजन में बेसिकली करेगा क्या, ये टेक्सचरिंग, ये बेसिकली वहां की जो भी फ्रिक्शन हो रही है या जो भी एनर्जी लॉस हो रही है इस एनर्जी लॉस को कम करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बॉडी है जो इंटरनेशनल एडवांस सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, इन्होंने ही ये टेक्नोलॉजी खोजी है, रिसर्च किया। दिस इंस्टीट्यूट इज इन चेन्नई, हैज डेवलप्ड अल्ट्रा फास्ट लेजर सरफेस टेक्सचरिंग टेक्नोलॉजी विच कैन इंप्रूव द फ्यूल इफिशियंसी ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन। तो इस तरीके से ये काम किया गया है जहां पर जो भी टेक्सचरिंग करनी है, जो भी कह लीजिए कि यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगाना है या जैसे भी जो भी कुछ करना है वो सारा का सारा काम अब बेसिकली लेजर के द्वारा किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी लाई जा सके। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू कंट्रोल फ्रिक्शन वियर, ठीक है, तो जितना ज्यादा वियर टियर होगा उतना ही ज्यादा लॉस होगा और उसी लॉस को कम करने की कोशिश की जा रही है। द लेजर सरफेस माइक्रो टेक्सचरिंग ऑफर्स प्रैक्टिस कंट्रोल ऑफ द साइज शेप एंड डेंसिटी ऑफ माइक्रो सरफेस टेक्सचर फीचर। तो केवल आपको यह ध्यान रखना है कि यह क्या चीज है। इसके अलावा हम लोगों ने नैनो फ्रिक्शन मटेरियल के बारे में बात किया था, जहां पर हम लोगों ने सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में बात किया था, और वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर द नैनो टेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं जिससे कम फ्रिक्शन जनरेट हो, वियर टियर कम हो और अल्टीमेटली जो इफिशियंसी है वो काफी बढ़ जाए। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है। चलिए खैर अब आते हैं हम लोग अपने जरा दूसरे करंट अफेयर्स में, रिलेटेड विद सम पॉलिटी करंट अफेयर्स। तो देखिए यहां पर कोविड के कारण से, कोविड 19 के कारण से हम लोगों ने एक नया फंड बना लिया है, द फंड इज पीएम केयर फंड। यहां पर इस पीएम केयर फंड का मतलब क्या है, द गवर्नमेंट हैज सेट अप प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो केयर्स का मतलब बेसिकली सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन है। दिस इज टू डील विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक पोस्टेड बाई कोविड 19 पैंडेमिक। देखिए एक फंड कोई नया नहीं है, इससे पहले भी फंड बनाया जा रखा है जिसका नाम है पीएम नेशनल रिलीफ फंड। ये बनाया गया था 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और तब से ये फंड कंटिन्यूअसली यूज किया जाता है। अभी क्या हुआ है कि थोड़ा सा लोगों में और मतलब चार्म लाने के लिए, अट्रैक्टिवनेस लाने के लिए, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन का केस लाने के लिए एक नया फंड बना दिया गया, दैट इज पीएम केयर्स फंड। यहां पर जनता भी अपनी एक आशा शो कर रही थी, वो कह रही थी कि यार नया फंड बनाइए जिससे हम भी लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, तो इन्होंने एक नया फंड बना दिया इस तरीके से। द फंड इज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, दिस इज बेसिकली अ ट्रस्ट है। ट्रस्ट क्या होता है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। विद द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, अदर मेंबर्स इंक्लूड डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। तो एक तरीके से बोल सकते हैं दिस इज रिलेटेड विद दिस कैबिनेट मेंबर की कमेटी एक तरीके से बन जाएगी जो इसके चेयरमैन और मेंबर के फॉर्मेट में रहेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और अगर बताऊं तो देखिए यहां पर इस पीएम केयर्स फंड या फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की या आईटी जो भी इनकम टैक्स एक्ट होती है इसके थ्रू भी एग्जेम्प्टेड होते हैं, मतलब आपको फुल छूट मिलती है, 100% एग्जेम्पशन होती है यहां पर। तो अच्छा खासा आप यहां पर अपनी कंट्रीब्यूशन दे करके, इन्वेस्ट करके अपनी इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। दूसरा,
सीएसआर में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लोग इस फंड में अपना पैसा दे करके सीएसआर की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको कम कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, दैट इज द 40%, इससे भी कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमारे पास अदर आइटम भी हो जाते हैं, जैसे यहां पर इस अकाउंट की स्क्रूटनी नहीं होती है, मतलब कि स्क्रूटनी का मतलब ऑडिट नहीं होता है, द अकाउंट इज नॉट अंडर ऑडिट पर्पस। ठीक है, तो ये सीधे सीधे दे दिया जाता है इस तरीके से, तो यहां पर चांसेस होते हैं कुछ करप्शन वगैरह के, बट एक्चुअली करप्शन किया नहीं जाता है, दिस इज द थिंग हियर। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में, तो द फंड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1948 बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, और वहां पर ये था कि पाकिस्तान से जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उनको असिस्ट करने के लिए बेसिकली ये दिया जा रहा था। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो हम लोगों ने फंड के बारे में पढ़ा, फंड के बारे में देखिए क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल आप जानते रहिए कि क्या चीज है। हालांकि जो होती है इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है कि अगर एक फंड है तो दूसरा फंड की जरूरत क्या है। ठीक है, चलिए खैर जो कंट्रोवर्सी है वो तो छोड़ देते हैं हम लोग। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में देखें तो देखिए COVID-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर, इसके बारे में देखिए हम लोग आजकल बात कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल इंडिया में है एंड वी आर ट्राइंग टू मेक आवर कंट्री एंड एवरी सिस्टम इन द कंट्री एज डिजिटल एज इट वी कैन। तो ये डिजिटल करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर हो क्या रहा है, अब जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, इसके अंडर में दसियों पेशेंट होंगे, लेकिन ये पेशेंट हो सकता है कोई एमपी का होगा, कोई राजस्थान का होगा, कोई हरियाणा का होगा, कोई यूपी का होगा, कोई मान लेते हैं महाराष्ट्र का होगा, तो ये अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है इसका हमारे कंट्री में एक ही डॉक्टर है, तो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि कोविड आ गया, अब कोविड आ गई है तो कोई भी बंदा जा नहीं सकता है, सपोज ही इज सिटिंग इन दिल्ली, दिल्ली में बैठते हैं, अब यहां पर क्या कोई जा नहीं सकता है, तो अब इनकी स्किल भी खराब हो रही है क्योंकि इनके पास नॉलेज है, और इन लोगों में तो दिक्कत ही आ रही है क्योंकि ये लोग पेशेंट है। अब इसमें किया क्या जाता है, एक टेली कंसल्टेशन सेंटर खोल दिया जाता है, इसमें इन डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं जो भी फार्मास्यूटिकल या जूनियर डॉक्टर होते हैं, ये लोग डायरेक्टली टच में आ जाते हैं इस सीनियर डॉक्टर के, किससे? डिजिटल मीडिया के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे हमारी एक प्रगति है जो उसका प्रधानमंत्री यूज करते हैं अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएंगे और जो भी प्रिस्क्रिप्शन, जो भी चीजें बताएंगे हमारे सीनियर डॉक्टर, वो इन जूनियर डॉक्टर या जो भी फार्मास्यूटिकल के लोग हैं बैठे हुए हैं ये जान जाएंगे और बता देंगे जो भी यहाँ का पेशेंट होगा कि भाई तुम एक काम करो, ऐसे ऐसे कर लो। इस तरीके से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके इस सेंटर को, मतलब इस पूरे डिसीज, इस पूरे प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पूरा सेंटर। इसके बारे में अगर देखें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यह लॉन्च किया है। दिस इज बेसिकली कोविड नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर इज अ टेली मेडिसिन हब एस्टैब्लिश्ड बाय एम्स न्यू दिल्ली, वेयर इन एक्सपर्ट डॉक्टर्स फ्रॉम वेरियस क्लिनिक डोमेन विल बी अवेलेबल 24/7 टू आंसर द मल्टीफेसेट क्वेश्चन फ्रॉम स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो इस तरीके से चीजें हो रही होंगी। दैट इज अ मल्टी मॉडल टेलीकॉम हब थ्रू विच टू वे ऑडियो वीडियो एंड टेलीकॉम टेक्स्ट कम्युनिकेशन कैन बी अंडरटेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड एट लार्ज। तो इस तरीके से चीजें की जा रही है। हालांकि ये कोई नया नहीं है, ये हम लोग पहले भी करते थे। पहले जो की जाती थी वो गांव को, मतलब जो भी विलेजेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए किया जाता था, लेकिन आज अर्बन इंडिया भी डिस्कनेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड प्रॉब्लम, एंड दैट इज वाई इस तरीके की चीजों को यहां पर लाया गया है। क्लियर हो गया क्या चीज है? आपको ध्यान रखना है कि ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और यहां पर जो हब एस्टैब्लिशमेंट की गई है वो की गई है एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको याद रखनी है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, दैट इज रिलेटेड विद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड। थोड़ा सा इसके अगर बेसिक्स के बारे में बात कर लें तो देखिए ये फंड एक ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है पहली चीज। दूसरी चीज कि यहां पर मिनरल एक्सप्लोरेशन या कह लीजिए मिनरल एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी 2015 में आई थी, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड को बनाया गया था। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो भी यहां पर मजदूर, जो भी मिनरल एक्सप्लॉयट करने वाला मजदूर है, अगर उसको किसी प्रकार से तबीयत खराब हो जाती है या फिर उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसी फंड के जरिए इनको पैसा दिया जाता है, इनको रिलीफ अमाउंट दी जाती है, रिलीफ कंपनसेशन बोल सकते हैं कि दिया जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि इनके पास पैसा आया कहां से जो ये नीचे पैसा दे रहे हैं। इनके पास पैसे आने के लिए इस पॉलिसी के तहत ये बोला गया है कि जो भी मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जिसने भी, जिसकी भी कंपनी ने लाइसेंस लिया होगा
वो यहां पर अपना कुछ फंड देगी, फंड का मतलब अपना कुछ यहां पर कंट्रीब्यूशन देगी, और इस कंट्रीब्यूशन अमाउंट के साथ साथ इन लोगों का भी पैसा इस तरीके से दिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी टेक्निक अपनाई जा रही है इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड में। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर में करंट अफेयर्स में क्यों आया है, हुआ क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री सेड स्टेट गवर्नमेंट शुड यूज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड फॉर रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयरनेस टू फाइट द नोवेल कोरोना वायरस डिसीज पैंडेमिक। तो इस मिनरल फंड का यूज कर सकते हैं जो भी स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं, ये हमारे यूनियन गवर्नमेंट ने बोल दिया। डीएमएफ फंड में बी यूज टू सप्लीमेंट एंड ऑगमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड एनी अदर रिसोर्स दैट माइट बी रिक्वायर्ड। तो जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी वो बता दिया जाएगा। दीज आर बींग डेवलप्ड अंडर दिस रेगुलेशन। ये सब चीजें तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस ही कर ली है। देखिए क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि इसके बेसिक्स के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, कंटेक्स्ट तो केवल होता है करंट में लाने के लिए, एग्जाम में तो बेसिक्स ही आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट छोटी छोटी कुछ और करंट अफेयर्स है, जैसे नमस्ते ऑपरेशन नमस्ते, ये इंडियन आर्मी की है, दैट इज प्रिपेयर्डनेस ऑपरेशन है, मतलब आप प्रिपेयर रहिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। तो आपको डिटेल याद नहीं रखनी है, केवल आपको यह पता होना चाहिए कि ऑपरेशन नमस्ते किससे रिलेटेड है, तो दिस इज रिलेटेड विद इंडियन आर्मी। इसके अलावा हम लोगों ने देखिए ऑपरेशन वनीला के बारे में भी डिस्कस कर रखा है अपने पुराने करंट अफेयर्स में, जो मेडागास्कर में साइक्लोन हिट हुई थी जिसके कारण से लोगों को निकालना था, तो हम लोगों ने अपने INS एरावत को भेजा हुआ था, तो INS एरावत भी न्यूज में आ गई थी। तो इस तरीके से ऑपरेशन वनीला भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी करंट अफेयर्स और है फोर्स मेजर के बारे में। फोर्स मेजर क्या चीज है, देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं रेलवेज है, एक्चुअल में जो करंट अफेयर्स है वो ही पहले बात कर लेते हैं। रेलवेज में क्या होता है कि सपोज आपने फ्रेट ट्रेन को बुक किया था किसी अपने गुड्स को कैरी करने के लिए, देने के लिए, तो आपको जब गुड्स आ जाती है तो आपको बता दिया जाता है और आपके पास 2 दिन का समय दे दिया जाता है कि भाई आप आइए अपना सामान लेकर के जाइए। इन केस अगर 2 दिन से आप डीले होता है तो डीले होने पर आपके ऊपर एक पेनाल्टी अमाउंट लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि रेलवे को आपके सामान की देखरेख सुरक्षा करनी पड़ती है, तो एक पेनाल्टी अमाउंट लगाना शुरू कर देता है। अभी क्या हुआ है कोविड के केस में हर जगह लॉकडाउन है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम रेलवेज ने फेस किया कि यार पेनाल्टी लगाएं तो कैसे लगाएं, यहां तो सरकार ने खुद ही बोला है कि हम नहीं आने देंगे। तो यहां पर रेलवेज ने बोला है कि देखिए दिस इज द कंडीशन ऑफ फोर्स मेजर, यहां मतलब क्या है, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट और सर्कमस्टेंस बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल सच एज इवेंट ऑफ एक्ट डिस्क्राइब्ड एज एक्ट ऑफ गॉड। तो इस तरीके की कंडीशन हो गई है तो हम लोग ये पेनाल्टी नहीं लेंगे तब तक जब तक लॉकडाउन खुल नहीं जाता है। तो मतलब समझ में आ गया फोर्स मेजर का मतलब क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्स मेजर ये किससे रिलेटेड है, तो आप बता देंगे दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट जहां पर एक्ट ऑफ गॉड इस तरीके की चीजें हो जाती हैं जिसके जरिए जो होता है कोई भी काम जो नॉर्मल केस में होता है वो नॉर्मल केस में ना रह करके हम लोग इसको इमरजेंसी सिचुएशन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के रूप में देख रहे होते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी थोड़ी करंट अफेयर्स और भी है पॉलिटिक्स रिलेटेड। जैसे एक है जिसका नाम है पेसो, या इसी को बोलते हैं पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, दिस हैज टेकन वेरियस मेजर्स टू एंश्योर uninterrupted supply of oxygen to hospital and other healthcare facilities due to nationwide lockdown for containment of COVID-19 pandemic. देखिए यहां पर केस क्या है, हमारे हॉस्पिटल्स में जैसे कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कई बार कमी हो जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गोरखपुर में एक केस हो गया था डॉक्टर कफील केस, जहां पर BRD जो हॉस्पिटल है यहाँ का, BRD हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी जिसके कारण से कई सारे बच्चे मर गए थे। तो इस कंडीशन को देखते हुए लोगों के जो भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं या जो कह लीजिए जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो काफी कंसर्न रहते हैं कि इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर ना हो। तो इसके लिए भी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज पेसो, इसने भी कहा है कि भाई ऑक्सीजन की कमी वगैरह नहीं होनी चाहिए अगर कोई भी कोविड टाइप की पैंडेमिक केस में अगर कुछ भी हो जाता है तो। नॉट ओनली रिलेटेड विद दिस ऑक्सीजन बट ऑल्सो जैसे आपकी कोई भी वेंटिलेटर हो गई या कुछ अदर चीजों की भी जरूरत होती है तो वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर बात करें पेशो कहां पे है, तो दिस इज द डिपार्टमेंट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट है, हाई चांस आर देयर कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बात करें अगर पेशो के बारे में तो देखिए दिस इज ऑटोनॉमस बॉडी, ये ऑटोनॉमस है मतलब ये इंडिपेंडेंट काम करती है, लेकिन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है क्योंकि ये एक्ट के थ्रू बनाया गया है। एंड पेशो इज
इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, पेट्रोलियम एक्ट 1934, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एंड ये सब चीजें। यहां पर यह आपको डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखने की जरूरत है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, बॉडी कैसी है और किस तरीके से ये बनाया गया है। क्लियर हो गया? चलिए खैर, इसके बाद हमारा छोटा छोटा कुछ करंट अफेयर्स और भी है। जैसे एक है प्रोजेक्ट आइजैक। आइजैक का मतलब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन के बारे में, आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या है कि जो हमारी आईआईटी गांधीपुर है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इन द नेम ऑफ प्रोजेक्ट आइजैक। हुआ क्या है, चूंकि यहां पर क्या हुआ है कि लॉकडाउन काफी लंबा हो गया है, लॉकडाउन लंबा होने के कारण जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो इस समय फ्री हो गए हैं। फ्री होने का मतलब दे आर काइंड ऑफ दिस टाइम, वो इस समय को यूज नहीं कर पा रहे हैं, और वो इस समय को यूज करें या उनको इंगेज रखने के लिए आईआईटी गांधीपुर ने एक नई प्रोजेक्ट लॉन्च की है। दिस इज टू इंगेज इट्स स्टूडेंट इन क्रिएटिव प्रोजेक्ट टू एनहांस देयर क्रिटिकल स्किल व्हाइल दे आर कॉन्फाइंड टू देयर होम बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो कन्फाइंड होने के कारण से ये लॉकडाउन सिचुएशन में ये नए प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं ताकि ये इंगेज रहे, जैसे पेंटिंग की हो गई, कोडिंग की हो गई। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर जिसमें बच्चे इनरोल कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि बाकी लोगों को भी ऐसा ही काम कर लेना चाहिए ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंगेज रह सके और लॉकडाउन सिचुएशन को भी प्रोडक्टिव यूज किया जा सके। इसके अलावा देखिए एक और ह्यूमनॉइड रोबोट, जयपुर में एक करंट अफेयर्स आई है। यहां पर क्या है कि इस ह्यूमनॉइड रोबोट का बेसिकली अभी ट्रायल होना शुरू हो गया है। क्यों हुआ है, देखिए कोविड के केस में प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पर कुछ क्वारंटाइन लोग भी हैं, कुछ यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड में भी रखे गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। अब इस आइसोलेशन वार्ड में ऑब्वियसली जो भी नर्स या जो भी लोग जाएंगे वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग भी इन्फेक्ट हो जाएं। तो इन्फेक्ट होने से बचने के लिए यहाँ पर अब ह्यूमन को नहीं, हम लोग रोबोट को भेजना शुरू कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। अब रोबोट को भेजने पे क्या होगा, अगर मान लेते हैं इसके अंदर में कोरोना का स्ट्रेन आ भी जाता है तो इसको आप डिसइन्फेक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू डिसइन्फेक्ट अ रोबोट, जबकि ह्यूमन बॉडी को आप इतना आसानी से डिसइन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, रोबोट में कोई भी चीज आएगी तो अगर वो कोरोना पॉजिटिव तो हो नहीं सकती है, जो भी रहेगी वो सरफेशियल रहेगी तो उसको आप हटा सकते हैं, बट बॉडी इन्फेक्ट हो गई तो देयर इज अ लॉस ऑफ ह्यूमन, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये केस हुआ है हमारे जयपुर में। द ट्रायल वर कैरिड आउट टू चेक इफ रोबोट कुड बी यूज्ड फॉर डिलीवरिंग मेडिसिन एंड फूड टू द कोविड पेशेंट एडमिटेड देयर। इट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये तो रोबोट में आपको बहुत ही आसानी से मिलेगा कि ये इंटरनेट थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता ही है। इसके बाद हमारी छोटी सी करंट अफेयर्स है G20। अब देखिए इतनी सारी कंडीशन हो रही है लेकिन G20 की मीटिंग नहीं प्रॉब्लम में आ रही है, एक्चुअली में प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर ये होने वाला था सऊदी अरेबिया में होने वाला था इसकी मीटिंग, लेकिन हुआ क्या, कोविड के कारण से सारे के सारे बॉर्डर सील किए गए हैं और इनफैक्ट नेशनल इमरजेंसी कंडीशन, नेशनल मतलब हेल्थ इमरजेंसी कंडीशन ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में चल रही है। लेकिन कंट्री आपस में एक दूसरे के कोऑपरेशन के लिए G20 मीटिंग सबमिट जो भी होनी है वो होना काफी इंपॉर्टेंट था, और इसलिए ये वर्चुअल मोड में हुआ। वर्चुअल मोड को करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड टॉप 20 इकोनॉमीज होस्टेड बाय जो भी सऊदी अरेबिया के किंग है, उन्होंने ये होस्ट किया और आपस में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की बात कही। इन्होंने कहा कि देखिए व्हाट एवर द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द प्रेजेंट सोसाइटी इज देयर, वी हैव टू गो हैंड इन हैंड। हमको एक साथ चलना पड़ेगा, चाहे वो वुमेन की एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे कोविड के केस से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, कुछ भी होगा, इन्वायरमेंटल चेंज होगा, कुछ भी होगा, तो हमें वो सारे के सारे मिलकर के ही साथ में चलने होंगे। इसके अलावा G20 कंट्रीज हैव वॉलंटियरली कमिटेड टू इंजेक्ट मोर देन $5 trillion इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। तो चूंकि इस समय इकोनॉमी काफी स्लो डाउन में है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस समय रुक सा गया है, इकोनॉमिक कंडीशन सारी रुकी हुई है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अगेन 1929 ग्रेट डिप्रेशन और 2008 जो हाउसिंग प्रॉब्लम है, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन कैन ऑल्सो हैपन इन आवर 2020। तो इस वजह से इन्होंने कहा है, सबने कहा है कि हम लोग $5 trillion मिल करके ग्लोबल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन न आने पाए। इसके अलावा they will also contribute to the World Health Organization WHO led COVID Solidarity Response Fund। तो ये क्या है, उनको एक सहानुभूति वाला एक फंड देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि WHO की जो फंडिंग US करता था उसको US ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, तो इस वजह से एक सहानुभूति के तौर पे मतलब WHO को दिया जाएगा फंड। तो ये कहा गया है G20 के मेंबर के द्वारा।
इसके अलावा देखिए एक और करंट अफेयर्स है, दैट इज रिलेटेड विद सेंटर फॉर इंटरनेट ऑफ एथिकल थिंग्स. कर्नाटका गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ सेंटर फॉर इंटरनेट ऑफ एथिकल थिंग्स इन बेंगलोर. इट इज कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू ब्रिंग टूगेदर एस्पेक्ट ऑफ AI एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो बेसिकली क्या है कि जो भी कुछ हम लोग डेवलप करेंगे, चाहे वो AI डेवलप करें, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेवलप करें, ये जो कुछ भी डेवलपमेंट करेंगे, ये सारी डेवलपमेंट हमें एथिकल तरीके से और एथिकल कामों के लिए करनी है. इसके लिए सेंटर फॉर इंटरनेट ऑफ एथिकल थिंग्स ये कर्नाटक में ओपन किया गया है. क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये क्या चीज है, दूसरी किसके मदद से की गई है, तीसरी कर्नाटका गवर्नमेंट या किस गवर्नमेंट के द्वारा की गई है. तो तीनों ही हम लोगों ने देख लिया अच्छे से, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद देखिए साइंस के हमारी कुछ करंट अफेयर्स है. साइंस में करंट अफेयर्स में सबसे पहले है स्काईटेक एरॉन के बारे में. स्काईटेक एरॉन मतलब कुछ नहीं है, आप लोग देखे होंगे MI के काफी प्रोडक्ट आना शुरू हो गए हैं. जैसे पहले मोबाइल आता था, मोबाइल के बाद पावर बैंक आना शुरू हुआ, पावर बैंक के बाद TV आना शुरू हुआ, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. यहां पर एयर प्यूरिफायर एक आता है, अगर आपको पता हो तो एयर प्यूरिफायर आता है. ये एयर प्यूरिफायर क्या होता है, जो भी हमारे कह लीजिए कि रूम में या कह लीजिए इन्वायरमेंट में जहां पर भी PM2.5 या PM10 पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल को वो हटाता है ताकि जो हमारे लंग्स हैं वो फ्रेश एयर ले सके. तो बेसिकली ये एयर प्यूरिफायर का काम है. स्काईटेक एरॉन एक तरीके का एयर प्यूरिफायर ही है, बस ये इंडियन एयर प्यूरिफायर है. ये बनाया किसके द्वारा गया है, ये पुणे में एक स्टार्टअप है, इनके द्वारा बनाया गया है. क्यों बनाया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कोविड के केस में नियर अबाउट, जहां तक मीडिया सोर्सेस से पता चला है, 14 आवर्स तक जो हमारे कोरोना के वायरस है वो सस्पेंड रह सकते हैं एयर में. तो इस वजह से एयर को कंटिन्यूअसली प्यूरिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है, और इस प्यूरिफाई करने के लिए ये प्यूरिफायर गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है पुणे यूनिवर्सिटी से. किसके लिए, हॉस्पिटल्स के लिए. तो हॉस्पिटल्स में जो भी कोरोना मरीज जा रहे हैं उनके लिए, रूम को सैनिटाइज करने के लिए, रूम को प्यूरिफाई करने के लिए, हॉस्पिटल एनवायरमेंट को प्यूरिफाई करने के लिए ये इस तरीके का प्यूरिफायर लगाया जाएगा. क्लियर हो गया क्या चीज है ये स्काईटेक एरॉन. तो ये एयर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी नेम्ड स्काईटेक एरॉन डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड स्टार्टअप कुड ऑफर एन इफेक्टिव सोल्यूशन टू द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस COVID-19 कंटेजियन by reducing the viral load of the infected areas. ठीक है, the technology has been developed under the Nidhi Prayas scheme. तो ये Nidhi Prayas scheme Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology के द्वारा start किया हुआ है. इसकी बात हम लोग government scheme में करेंगे, यहां पर हम लोग नहीं करेंगे. इस तरीके से हम लोगों ने देखा हमारा स्काईटेक एरॉन के बारे में. इसके अलावा देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में करंट अफेयर्स में, अगेन ये भी न्यूज में रही इसलिए थी क्योंकि बाहर से कई सारे मजदूर आए थे, तो हमारे यहाँ की जो भी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था कि इनको डिसइंफेक्ट करने के लिए काफी अनएथिकल और अनह्यूमन तरीके से इन लोगों को डिसइंफेक्ट किया गया था. इनके ऊपर में डिसइंफेक्टेंट की एक पाइप छोड़ दी गई थी और उससे इनको नहलाया गया था, एंड दैट कंटेन्ड सोडियम हाइपोक्लोराइड. तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला भी आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है. इन सेवरल प्लेसेस माइग्रेंट वर्कर ट्रेवलिंग टू देयर होम स्टेट्स और देयर बिलोंगिंग्स वर स्प्रेड विद सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन अपेरेंटली टू सैनिटाइज देम. यहाँ पर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये Na+Cl- में बदल जाता है और इस तरीके से ये हैंड सैनिटाइजर में भी अवेलेबल होता है. तो WHO had also recommended to use home-based bleach solution to about 2-10% contribution to clean hard surface to clear them. ये सब चीजें, तो ये this is just a recommendation. तो आप recommendation भी याद रखिए, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाए ये आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे, बट पूछा जा सकता है. तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कहीं पर लिख करके रख लीजिएगा. दिस कंसंट्रेशन अमाउंट कैन बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन, क्या ये हार्ड सर्फेस के लिए है या किसके लिए है, ये पूछा जा सकता है. एज अ कॉमन ब्लीचिंग एजेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड इज यूज फॉर वैरायटी ऑफ क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग पर्पस इन स्विमिंग पूल. तो ये सब यूज किया जाता है, बट ऐसा कहा जाता है कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये डायरेक्टली स्किन पे नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी रिपरकशंस इन द ह्यूमन स्किन सेल. तो इस वजह से ये काम करना, बाद में गवर्नमेंट ने इसके लिए मतलब कहा कि ये गलत थी, ये नहीं करना चाहिए था, तो इस तरीके से ये चीजें हो गई हैं. क्लियर हो गया. आगे देखिए हमारे पास कुछ और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के बीच के लिए केस है.
एक्चुअल में क्या हुआ है कि हाइड्रोक्सीक्विन जो दवा दी जाती है वो दवा पहले दूसरे शेड्यूल में थी, जिसके कारण से यह दवा इजिली अवेलेबल नहीं थी. नाउ इट हैज बीन इंक्लूडेड इन टू शेड्यूल एच. अब हमें क्वेश्चन ये उठता है कि शेड्यूल एच क्या चीज होती है या इसके अलावा भी क्या कुछ कैटेगरी होती है. तो वी हैव थ्री कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो अलग अलग तरीके से यूज में आती है. जैसे ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 भी बताता है कि ड्रग्स को हम तीन कैटेगरी में बांटेंगे. एक रहेगा शेड्यूल एच, दूसरी रहेगी शेड्यूल एच वन और तीसरी रहेगी शेड्यूल एक्स की दवाइयां. तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके करंट अफेयर्स के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए. शेड्यूल एच के बारे में बात करें तो देखिए ये काफी लेवरेज मिलती है, यहां पर काफी आसानी से अवेलेबल हो जाती है दवा. लेकिन ये किसके द्वारा बेचा जा सकता है, दिस कैन ओनली बी सोल्ड बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. कोई भी प्रैक्टिशनर है अगर रजिस्टर्ड है तो उसके प्रिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा. एंड ओनली द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी सोल्ड. जितना दिया गया उसी हिसाब से दीज ड्रग्स शुड बी लेबल्ड एज, ये इंपॉर्टेंट है, आरएक्स लेबल इसमें दी जाती है. जो भी दवा होती है उसमें लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा रहेगा इस तरीके से आरएक्स, ठीक है. तो आपसे पूछा जा सकता है कहां पर, तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल ये लिखा होता है. अगर आपको नहीं यकीन हो रहा हो तो एक काम करिए, खुद दवा उठाइए, देखिए क्या वहां पर लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है आरएक्स, तो आपको मिल जाएगा. इसके अलावा देखिए दूसरी होती है जिसको बोला था शेड्यूल एक्स कैटेगरी. ये शेड्यूल एच से स्ट्रिंजेंट इसमें लॉज हैं. इसमें क्या चीज है, दिस इज बेसिकली टू रिड्यूस द नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस. जैसे कई लोग नींद वगैरह की दवा लेना शुरू कर देते हैं अगर वो इजिली अवेलेबल हो जाती है तो इजिली अवेलेबल इसको नहीं करने के लिए इसको रखा गया शेड्यूल एक्स में. यहां पर क्या है कि ड्रग रिटेलर हैज टू प्रिजर्व द कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2 ईयर्स. तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसकी जीरोक्स कॉपी इनको रखना पड़ेगा 2 साल तक के लिए. अगर बात करें इसमें जैसे आरएक्स की कोडिंग होती है तो इसमें कोडिंग क्या है, एक्सआरएस की कोडिंग हो जाती है. लेकिन फिर भी ये अवेलेबल होती है दवा, ज्यादा कुछ खास नहीं होती है. लेकिन सबसे जो हार्ड दवा होती है वो होती है शेड्यूल एच वन. दिस इज द सुप्रीम मोस्ट, आप कह सकते हैं कि इस पे लिमिटेशन इसके ऊपर में मॉनिटरिंग की जाती है. यहां पर दिस इज टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटी टीबी एंड सम अदर ड्रग्स इन द कंट्री. तो इनको इस तरह से कंट्रोल किया जाता है. यहां पर जो भी ड्रग के रिटेलर होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, सेलर होते हैं, उनको 3 साल तक एक तो रखना पड़ता है जो भी प्रिस्क्रिप्शन है किस बंदे ने लेके आया, क्योंकि हो सकता है कौन सा बंदा कैसे खरीदने आ गया, तो उस बंदे की भी डिटेल के बारे में रखा जाता है, पूछा जाता है कि क्या हो, कहां से आए हो, कितना दवा चाहिए, क्यों चाहिए. तो मतलब ये काफी ज्यादा इसमें जांच पड़ताल की जाती है. अब ये कितना ज्यादा मार्केट में यूज होता है ये तो नहीं पता, लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ये इतने प्रोविजन इस तरीके से लिखे हुए हैं, जहां पर दिस वन इज द स्ट्रिंजेंट लॉ. इसके पास स्ट्रिंजेंट लॉ है, ये कह सकते हैं मॉडरेट है और ये ठीक ठीक सा है, इसमें कुछ खास होती नहीं है. तो ये हम लोगों ने देखा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के बारे में पूरा डिटेल, क्लियर हो गया. इसके बाद देखिए छोटी सी और एक करंट अफेयर्स है, दैट इज रिलेटेड विद दिस वोलेटाइल इंडेक्स. वोलेटाइलिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, वोलेटाइलिटी का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा कोई चेंज हो रही होती है, वोलेटाइल नेचर बोलते हैं उसको. ये बेसिकली यहां पर यूज किया जा रहा है इकोनॉमिक्स के टर्म में. जैसे जो भी स्टॉक एक्सचेंज होती है वहां पे वोलेटाइलिटी काफी ज्यादा आती है, अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा आते हैं प्राइसेस में, इंडेक्स में. तो इसलिए वोलेटाइलिटी इंडेक्स निकाली गई थी. ये वोलेटाइलिटी इंडेक्स हालांकि काफी पहले ही डिस्कवर कर दी गई थी, 1994-95 में की गई थी. तो की गई किसके द्वारा है, शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज के द्वारा. अगेन दिस इज अ एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज बोल सकते हैं. फिलहाल इंडिया में क्या हुआ है कि इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन 2010. इंडिया जो भी वोलेटिलिटी इंडेक्स है, दिस इंडिकेट द इंडियन मार्केट्स वोलेटिलिटी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स परसेप्शन. ऐसा देखा गया है कि जब भी एनएससी अगर पॉजिटिव शो कर रहा होता है तो जो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है ये निगेटिव शो कर रहा होता है. यानी कि जो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनएससी, क्लियर. तो ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है, आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है. तो ये हुई हमारी आज की करंट अफेयर्स पूरी. हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.